बसमिल्ला वसलासल रसोल्ला नबी गना महमदम वही व मौलाबाद मजदद नाज्रेन सही मुस्लिम की एक हदीस है हदीस नंबर नौ सौ चौतीस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू मालिक आशारी रवी अल्लाह इस हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर मौजूद चार बीमारियों का तस्करा किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबअन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिया कि मेरी उम्मत में चार चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ज़माने जाहिलियत से ला यतरुकूनहुन्ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी कर दी कि मेरी उम्मत के अंदर ये चीजें मौजूद रहेंगी किसी न किसी हैसियत है से और लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे वो चार चीज़ें क्या हैं आज के जमाने में भी दूसरों को छोड़िए हम मुसलमानों के यहाँ मौजूद हैं हम मुसलमानों के यहाँ भी मौजूद हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तमाम लोग आते हैं चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो और फर्क हो जाता है कि हम उम्मत इजाबत हैं और वो उम्मत दावत तो सारे लोग दाखिल हैं लेकिन मुसलमानों के यहां किसी ना किसी हैसियत से ये चारों बीमारियां मौजूद है बीमारी नंबर एक अहसाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसब व नसब पर फख्र करना मेरा खानदान ऐसा मेरा खानदान ऐसा है मेरे खानदान से ऊंचा किसी का खानदान नहीं इसीलिए आप देखें आज का लोग सर नेम चेंज कर ले रहे हैं हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया लिता ये खानदान कबीले बनाने का क्या मकसद है ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको ये फला खानदान से ताल्लुक रखता है ये फला कबीले से फला कबीले से ये फख्र का जरिया नहीं है फख्र का सबब नहीं दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की दूसरी बीमारी व फिल पहला क्या था अपने हसब व नसब पर फख्र करना दूसरा है कि दूसरों के नसब और ख़ानदान में ताना जनी करना ऐब निकालना फला का खानदान ऐसा है फला इतने बुरे खानदान से फला की माँ ऐसी है फला का बाप ऐसा है इनका खानदान तो यही करता है ये सबसे निचला खानदान है जैसे दूसरे धर्म और मजहब वालों के यहाँ ये दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल इसतिस बन नजूब सितारों के जरिए बारिश तलब करना कि फ़ला सितारा निकलेगा तो समझ लो बारिश होगी फला सितारा निकलेगा तो ये होगा ये होगा दूसरी कौम वालों के यहां देखिए आप बाकायदा सितारों के जरिए किस्मत का हाल मालूम किया जाता है स्टार्स फला स्टार का इनकी किस्मत से क्या ताल्लुक कुंडली निकाली जाती कि क्या होगा कैसे होगा फला तारीख में ये सितारा निकलेगा तो कहीं किस्मत बुरी तो नहीं होगी ऐसा तो नहीं होगा वैसा तो नहीं होगा और एक चीज़ जो जमाने जाहिलियत में भी थी आज भी है कि सितारों से बारिश तलब करना अब ये सितारा निकला है अब बारिश होगी बहुत बारिश होगी जबकि अल्लाह ने क्या फरमाया सुरमान के आखिरी आयत में जो मफातिगैब वाली आयत है वही यू नजिल कि अल्लाह बारिश नाजिल करता है कब बारिश होगी कितनी होगी किस मकदार में होगी ये सब अल्लाह ताला को मालूम आज हमारे यहाँ भी देखें मुसलमानों के यहाँ किसी ना किसी तरीके से वेदर अपडेट हम चेंज बारिश कब होगी और उस पर भी बहुत सारे लोगों का ईमान है उसी को देख देख करके वो जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं कि जाना चाहिए कहीं कि नहीं जाना चाहिए सफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अलर्ट आ रहा है तो बायदा हर तरीके से जो है भाई ठीक है वो एक अंदाजा है उस पर ईमान हमारा नहीं होना चाहिए उस पर यकीन के हद तक हमें जो है नहीं चले जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होगा अभी देखें पिछले दिनों रेड अलर्ट हाई अलर्ट आया कि बहुत बारिश होगी कुछ बारिश नहीं हुई इस दिन स्कूल की छुट्टियां हो गई ऑफिसेज़ की छुट्टियां हो गई कॉलेजेस की छुट्टियां हो गई और घर पर सारे बच्चे बैठ गए सारे लोग बैठ गए और उस दिन कोई बारिश नहीं हुई कोई नज़िल्खीस अल्लाह को पता है कब कितनी बारिश नासिल करना है हमारा ईमान नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ फलां चीज़ को देख करके हम ये कह लें कि बहुत बारिश हो जाएगी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बादल भी है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश होगी लेकिन अल्लाह बारिश हासिल नहीं करता हमारे यहाँ बारिश नहीं होती कहीं और जा करके होती है तो ये अल्लाह ताला के इल्म में जमाने जाहिलियत में भी ये चीज़ थी आज के ज़माने में भी दूसरे लोगों के यहाँ भी हम मुसलमानों के यहाँ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है स्टार्स के जरिए या और किसी के ज़रिए हम जो है बारिश तलब करते हैं या बारिश होने का अकीदा रखते हैं ये गलत अकीदा है चौथी और आखिरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान की फरमाया अल वियामत मैत पर नोहा करना मातम करना रोना चीखना चिल्लाना नोहा किसको कहते हैं यानी गिरेबान फाड़ना जोर जोर से रोना भाई किसी इंसान का इंतकाल हो गया रोया जा सकता है आंख से आंसू निकल सकते हैं गम और तकलीफ़ की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए हैं आपके बेटे का इंतकाल हुआ आपकी बेटियों का इंतकाल हुआ आप भी रोए हैं रोना ये जो है बुरा नहीं है तकलीफ का इजहार करना यह गलत नहीं है लेकिन उसको मातम में बदल देना कि गिरेबान फाड़ने लग जाओ जोर जोर से चीखो आवाजें निकालो मैयत की खूबियां बयान करो हाय मेरा बच्चा चला गया हाय मेरे अब्बा चले गए हाँ मेरी अम्मा चली गई ये है मातम करना और सोग मनाने की इजाज़त है हमारी शरीयत में तीन दिन भाई गम का इजहार मनाने और उसके लिए लेकिन कोई अलग से आप कोई काम नहीं करेंगे भाई आप काम पर ना जाएं आप कोई और काम ना करें घर में रहें आपको एक तकलीफ़ लायक हुई है लेकिन उसके लिए बाकायदा कोई ख़ास लिबास मुतिन कर लेना कि भाई ये सफ़ेद कपड़े में ही अब खातून रहेगी सफ़ेद कपड़े में ही खातून जैसे दीगर धर्म वालों के यहाँ है हमारे यहाँ बायशी आजरात काले कपड़े ही पहनते हैं मातम का कपड़ा उसे मान लिया गया है कोई आम आदमी भी पहले तो कहते हैं क्या भाई मातम मना रहे हो किस चीज का मातम मना रहे हो तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए व निया मैयत पर नोहा करना मैयत की खूबियां बयान करके चीखना चिल्लाना आप वसल्लम ने फरमाया फरमाएसम ऐसा बंदा हम में से नहीं ऐसा बंदा हम में से नहीं है और मैयत पर नोहा और मातम करना ये ज़माने जाहिलियत का अमल है जाहिलियत के लोग ऐसा किया करते थे हम मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए तो ये चार चीज़ें चार बीमारियाँ हम देखें कि कहीं हमारे अंदर तो नहीं है कहीं हम अपने खानदान पर फख्र का इजहार तो नहीं करते कहीं दूसरों के खानदान में हम ताना जनी तो नहीं करते हैं कहीं हम स्टार्स के ज़रिए या जो है किसी और तरीके से बारिश का या किस्मत का हाल मालूम करना फ्यूचर देखना वेदर अपडेट चेक करना उस पर यकीन और ईमान रखना कहीं हमारे अंदर ये तो नहीं है और नंबर चार कहीं ऐसा तो नहीं हमारे किसी अजीज का प्यारे का महबूब का रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नोखा और मातम करते हैं ये चारों बीमारियों में से कोई बीमारी हमारे अंदर है हमें उससे तोबा करना चाहिए हमें उससे दूर दूर रहना चाहिए इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है अल्लाह की छोटी बड़ी बीमारियों खराबियों दूर रहने की तौफीक अता फरमाए आमीन। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज पर किताब की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूर का सबक साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीर जजाकल्ला खैरन